हे फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युम और आज हम बात करेंगे मंगल फोन सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, पर चूंकि उसमें मेरा मोबाइल नंबर शेयर था और उस पर अनवांटेड कॉल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉल्स आते थे, इस वजह से मैं उसे रिमूव करने वाला हूँ और ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी उसके स्थान पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट कीज़ किसके लिए हैं और कहाँ पर काम करेंगी। ये आप देख सकते हैं एमएस वर्ड है, मैं इस पर टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी, तो ये शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड पर काम करेंगी। अब ये किसके लिए हैं, तो हिंदी इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर में मिलने वाले नौ कीबोर्ड, चाहे आप इंस्क्रिप्ट पर टाइपिंग करें, रेमिंगटन गैल पर टाइपिंग करें, रेमिंगटन सीबीआई पर टाइपिंग करें या फिर अन्य किसी कीबोर्ड पर टाइपिंग करें, उन सभी में ये शॉर्टकट कीज़ काम करेंगी। सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, एमएस वर्ड, और कीबोर्ड कौन से रहेंगे, इंस्क्रिप्ट, रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई, ट्रांसलिटरेशन या फिर अन्य कोई कीबोर्ड, इन सभी पर वो शॉर्टकट कीज़ काम करेंगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हर बात के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली वर्ड्स बन जाता है एक बटन से, एक क्लिक से वर्ड्स बन जाती हैं। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, जैसे मुझे लिखना है रक्षा, ठीक है, रा और छा डायरेक्टली बटन है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके लिए आप स्पेशल शॉर्टकट कीज़ लेके घूमते रहें तो आपको वक्त लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कितने बटन दबाए थे, सिर्फ ओनली एक बटन। और शॉर्टकट कीज़ में आपको अल्ट दबाना एक बटन और न्यूमेरिक बटन यानी चार बटन एक्स्ट्रा, पांच बटन दबा करके आप एक कैरेक्टर बनाती हैं तो स्पीड आपकी हो जाती है स्लो। तो सुझाव ये है कि अगर आपके कीबोर्ड पर वो मौजूद है वो वर्ण जिसके लिए आप शॉर्टकट की तलाश रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज़ बिल्कुल भूल जाइए। जैसे आपको लिखना है राष्ट्र, तो डायरेक्टली लिख दिया आपने। अब इसके लिए ट्रा के लिए शॉर्टकट कीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हिंदी यूनिकोड है, ग्रामर बेस्ड होती है। टा के बाद रा लगना का मतलब, टा के बाद रा लगाना उसका मतलब ही होता है एकमात्र ऐसा ट्रा, ठीक है, ऐसा रा। टा वर्ग में ऐसे ही लगता है, ये अपने आप ले लेता है, जबकि आप का में लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसा चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्रामर बेस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग सोचते हैं कि मिक्स वर्ड के लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिक्स वर्ड भी यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे आधा हा बनाइए, हा बनाया, हलंत लगाइए और माँ बनाइए, तो ये आपका बन गया ब्रह्मा वाला। ठीक है, जैसे आपको ब्रह्मा लिखना था, हा हलंत माँ, तो ये आपका ब्रह्मा लिख गया। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको रफ्तार लिखना है तो रा बनाया, फा बनाया, तो कई बार क्या होता है रा पे ऊ की मात्रा लग जाती है, लेकिन हटाइए और आधा फा कीजिए और लिख दीजिए, तो रफ्तार भी हो गया। तो आपको इसके जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनके लिए शॉर्टकट कीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब जो कैरेक्टर्स कीबोर्ड पर मौजूद नहीं हैं और मिक्स करके भी नहीं बना सकती, उनके लिए हमें शॉर्टकट कीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रेमिंगटन में क्या है, रेमिंगटन कीबोर्ड पर क्वेश्चन मार्क का प्रश्न साइन नहीं है, तो उसके लिए हमें अल्ट 63 यूज़ करना ही पड़ेगा। अल्ट 63, ये बन गया। नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये मिक्स करके भी नहीं बना सकती थी। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कीबोर्ड पर मौजूद नहीं हैं या फिर कीबोर्ड से नहीं बन पा रहे हैं, तब उनके लिए हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ बताए हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये हम किस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, वर्ड पर। तो आप स्पेशल सॉफ्टवेयर पर इनकी टेस्टिंग करते समय परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर ये काम करें अथवा ना करें। जैसे कुछ लोग इंडिया टाइपिंग पे कर रहे हों, हो सकता है टेन फास्ट फिंगर पे कर रहे हों, टाइपिंग ट्यूटर हो कोई, उसमें अगर आप शॉर्टकट कीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो काम ना करें। कर जाएँ अच्छी बात, लेकिन नहीं करेंगी तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये हमने वर्ड पर ट्राई की हैं। अब क्या है शॉर्टकट कीज़ यूज़ कैसे करना है, दिखा देता हूँ। कुछ लोग अभी देखो, हर कोई सीख के नहीं आता, यहीं पर सब लोग सीखते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ यूज़ कैसे करना है, ये आपका लेफ्ट अल्ट, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट अल्ट आपको प्रेस करना है ये वाला, और राइट हैंड से यहाँ पर न्यूमेरिक बटन होते हैं, उसे इनेबल कर ले रहा हूँ, सॉरी, नंबर पैड, टर्न ऑन नंबर पैड। ओके, तो ये जो नंबर पैड होता है इससे आपको शॉर्टकट कीज़ प्रेस करनी है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन मार्क के लिए अल्ट 63, तो आपको ये वाला अल्ट दबाना है और इस तरफ से दबाना है 63, तब जा करके आपका बनेगा क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अल्ट दबाएंगे और ये वाले 63 प्रेस करते हैं, तो इनसे शॉर्टकट कीज़ काम नहीं करती। अंडरस्टैंड, ये अल्ट दबाओ या ये अल्ट दबाओ, लेकिन अगर नंबर आप ये दबा रहे हैं तो शॉर्टकट कीज़ नहीं बनने वाली। ठीक है, तो अल्ट दबाना है लेफ्ट हैंड से लेफ्ट अल्ट, राइट हैंड से नंबर्स पैड में मौजूद नंबर्स को। अब नंबर्स लॉक में क्या होता है, कई बार ये बटन ऑफ रहता है, तो यहाँ पर आपके बटन दिखते तो हैं, क्योंकि हार्डवेयर है तो देखेंगे, बट वो काम नहीं करते। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका नंबर लॉक चालू हो और आपको लाइट शो हो रही हो, वहाँ पे लाइट शो नहीं हो रही है तो एक बार आप बटन प्रेस कर सकते हैं तो आपका नंबर
सो होगा, मतलब सो तो होता है पर काम करेगा। ओके तो फिर से बता दूं कैसे काम करना है, लेफ्ट अल्ट राइट साइड के नंबर पैड। लैपटॉप में क्या होता है ये होते ही नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से कुछ लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो गौर कीजिए कि यहाँ से काम नहीं होगा। अगर लैपटॉप में साइड दिए हैं कुछ बटन तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर काम करेंगे, अगर नहीं है तो आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना पड़ेगा। ओके तो चलिए अब बताते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। ये है कुछ कलेक्शन है, मैंने PDF इनका बनाया हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, तो आप यकीनन यूज़फुल समझेंगे और उन्हें ट्राई कर सकेंगे, ठीक है। PDF है 3-4 पेज का तो आपको मिल जाएगा, तीन पेज का है, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए कुछ खास चीज़ों पर नज़र कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं। पहला है 33, इससे क्या बनता है, विस्मयादि बोधक, जैसे हे राम ऐसा कैसे हुआ, जैसे आपको लिखना था तो आपको लिखना है ऐसे हे राम। अब अल्ट 33, सॉरी गलत दब गया, ठीक है बन गया हे राम ऐसा कैसे हुआ, तो कैसे बनाइए सिंपली 34 से क्या है इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल नहीं डबल वाला। ये किसके लिए आता है, जैसे किसी ने कोई वाक्य कहा उसने ऐसा कहा तो उसके लिए हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे लिखेंगे अल्ट 34 बन गया राम ने कहा कि, ठीक है सॉरी, और अल्ट 34 क्लोज। इसमें गौर कीजिए ये क्लोज मतलब इसके बाद आपको स्पेस देने की आवश्यकता नहीं होती, तो कंटिन्यूअस में आपको लिखना होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टार्ट है ये क्लोज क्यों नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आपको व्यू का अंतर होता है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो सॉरी, ओके ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले पे, यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जैसे कोई टाइटल होता है दैनिक भास्कर जागरण वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे जागरण, ठीक है, अल्ट कितना था सॉरी भूल गया 39 एक ले लिया, शुरू में जाएंगे 39, तो सिंपल ऑटोमेटिक समझ गए, विदाउट स्पेस से यूज़ करना है। अगला क्या है, कुछ नहीं है कोष्ठक यहाँ पे मौजूद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस के लिए 43 आपको यूज़ करना है, कॉमा ऑलरेडी मौजूद रहता है तो इसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये साइन आप उपयोग करना चाहते तो रेमिंगटन में मौजूद होता है, और हो सकता है स्क्रिप्ट में ना हो, तो आप इसे 47 से बना सकते हैं। ओके तो ये अर्धविराम इसको बनाने की आवश्यकता ना के बराबर होती है, अगर आवश्यकता पड़े तो 59 आप यूज़ कर सकते हैं। ओके और बराबर वैसे ना के बराबर आता है, तो 61 से आप इसे बना सकते हैं, 63 से क्वेश्चन मार्क बनता है, ठीक है, दांत के दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रश्न। ओके अल्ट 63, ओके सिंपल। यहाँ पे आते हैं वापस, ये एट द रेट आता नहीं है कभी, ना के बराबर आता है, अंग्रेजी है चूँकि, और वर्टिकल लाइन कभी भी हिंदी में नहीं आती, तो ठीक है। और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स अगर आपके नहीं बनते हैं तो 23-09 से लेकर 23-19 तक आप आ से लेकर ऋ तक पूरे वर्ण बना सकती हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ सॉरी, जैसे 23-09 आ बना, 23-10 बड़ा आ बना, 23-11 ई बनी, 23-12 बड़ा ई बनी, ऐसे करके कंटिन्यूअस में सीरीज आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको आगे के वर्ण मिलते जाते हैं। ओके और ये मौजूद रहते हैं कीबोर्ड पर, अगर आप नहीं बना पाते तो 23-21, 23-23, 23-24 ऐसे करके बना सकते हैं, बाकी आगे आपकी चॉइस। यहाँ पर भी मैंने पूरी वर्णमाला के बारे में बताया कि 2325 से लेकर के 2329 तक का से लेकर के अंग तक बनते क्रमानुसार, यानी 2325 से का, 2326 से खा, ऐसे करके पूरे, ठीक है। 2330 से 34 तक चा वर्ग है, 2335 से 39 तक टा वर्ग है, 2340 से 44 तक ता से लेकर ना, ठीक है, और ना के नीचे बिंदु चाहिए तो 2345, जैसे कुछ लोग हालांकि ये फारसी शब्द है, ना के बराबर हम यूज़ करते हैं हिंदी में, 2345 से अगर आप लिखते हैं तो ऐसा वाला ना बन जाता है। ओके अब 2346 से 2350 तक पूरा पावर है, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी कीबोर्ड पर मौजूद रहती हैं ये बटन, ठीक है। अगर नहीं बनती हैं, फा को लेकर अक्सर समस्या होती है, तो 2347 आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे रा के बाद फा बनाते हैं तो वो अक्सर रू बन जाता है, तो यहाँ पर आप चाहें तो रा के बाद 2347 यूज़ कर सकते हैं, सॉरी नहीं बना 2347 नहीं बन रहा है, तो कई बार बन जाता है कई बार नहीं बनता, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं,
ठीक है, ऐसे करके 2347 बन रहा है, कभी नहीं बन रहा, कभी नहीं बन रहा, तो ये टेक्निकल फॉल्ट है। हालांकि बनता है, अभी बन गया, पिछली बार नहीं बना था, तो आप देख सकते हैं 2347 ये बन जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले पे, या रा ला, ये सब आप बना सकते हैं, सिंपल दिया गया है तो आप देख सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल बतानी योग्य, हाँ ये जो चीज़ है, ये संस्कृत का शब्द है, कभी कभार देखने को मिलता है, जैसे वो हम या फिर तमाम जो ऐसे शब्द आते हैं उनमें ना के बराबर यूज़ होता है। आप चाहें तो 2365 से बना सकते हैं, दिखा दे रहा हूँ बना के सिंपली 2365। ओके, बन गया, संस्कृत शब्द है ये। और यहाँ पर अगला क्या है, क्रा का साइन ऑलरेडी मौजूद होता है कीबोर्ड पर, ठीक है। और ये 2375 से लेकर के ये मात्राएं हैं, 2366 से 70 तक आ से ऊ की मात्रा है, ए से लेकर के औ तक की मात्राएं हैं। और हलंत ये कीबोर्ड पर मौजूद होता है, इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। रेमिंगटन गेल में होता है प्लस पर, शिफ्ट के साथ प्लस, और नॉर्मली इंस्क्रिप्ट में डी, ठीक है। अब आती है 2384 ओम की बात, तो ओम के लिए थोड़ा सा हमें आवश्यकता पड़ती है, तो 2384 ओम बनता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली ओम बनाएंगे तो कैसे बनता है, ऐसे, सॉरी, ऐसे बन जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम 2384 से डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। का खा गा गा, इन सब के नीचे बिंदु है, तो 92, 93, 94, 95, और यहाँ पर रा, रा, फा, या, इनके नीचे भी बिंदु है, तो 96, 97, 98 और 99, इनके लिए आपको अगर आवश्यकता पड़े तो बना सकते हैं। रर के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ वो कीबोर्ड पर ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर बटन होता है माइनस का बटन, रेमिंगटन में, सॉरी बता दे रहा हूँ मैं, माइनस बटन अगर प्रेस करते हैं, सॉरी शिफ्ट के साथ ही नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा, इंस्क्रिप्ट चल रहा है क्या, नहीं है, कुछ समस्या है, आप बना सकते हैं 2700 से डायरेक्टली, 2600 2700 2400, अल्ट 2400 तो रिसी बना सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो अदरवाइज। बाकी ये पूर्ण विराम है, रेमिंगटन में क्या होता है, शिफ्ट प्लस वन से, शिफ्ट के साथ वन से बन जाता है, अगर नहीं बनता है तो आप इसे बना सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा, अगर पूर्ण विराम के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो यकीनन ये गलत है और ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो इंस्क्रिप्ट में जो कॉम्बो डॉट वाला बिंदु होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इंस्क्रिप्ट में इससे बनता है पूर्ण विराम, ये दिया गया है, और रेमिंगटन में शिफ्ट और वन से बनता है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट की इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। और डबल इन डबल पूर्ण विराम, ये चौपाइयों के अंत में, ये थोड़ा साहित्यिक वाला है, तो अगर आवश्यकता पड़े तो बना सकते हैं, बाकी तो आप नॉर्मल टाइपिंग करते हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 0 से लेकर के 2406 से लेकर के 2415 तक जो हिंदी वर्णमाला है, 1 2 3 4 वाले, ऐसे वाले बनते हैं। तो 0 को आप अक्सर देख लेते हैं डॉक्टर पंडित वगैरह में लिखते समय, मैं दिखा दे रहा हूँ 6 से लेकर के 15 तक, ठीक है। यहाँ पर 2406 2407 2408 2409 ऐसे करके ये कंटिन्यूस बनते जाते हैं 2415 तक, 2415 वहाँ जाके 9 खत्म हो जाता है, ठीक है। 2416 पर फिर एक बड़ा ज़ीरो बनता है, वो नॉर्मल अंग्रेजी वाला 2416 ये वैसा वाला ज़ीरो आ जाता है। तो अगर आप डॉक्टर वगैरह लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखना चाहूँगा डॉक्टर, तो 2406 लिख सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको लगे 2416। चूँकि आप देखें ये वाला बेटर है, सबसे अच्छा है, तो 2406 आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा डॉट जो आप बनाना चाहते हैं डॉक्टर वगैरह में, तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, 2406 से ये वाला डॉक्टर पंडित वगैरह वाला, ठीक है। 2416 से ये बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये अलग अलग उसमें अलग अलग दिखेगा, कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ फॉन्ट बदलूँगा मैं, तो इसका जो वो है लुक है वो देखना डाउन में चला जाएगा, चला गया। तो ये क्या होता है, फॉन्ट की वजह से लुक अलग अलग हो जाता है, इसमें ऊपर दिखा रहा है, इसमें वही चीज़ नीचे दिखा रहा है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, आप सोचेंगे कि यार ये तो इसमें ऊपर था नीचे बताया गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगला क्या है, स्क्वायर, ये कब काम आता है, जैसे लगभग हिंदी टाइपिंग के दौरान तो नहीं आता, लेकिन कई बार मीटर स्क्वायर फुट वगैरह ऐसा आ जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखना कैसे है, सिंपली अल्ट 0 170 से बनना, 178 से बनेगा, लेकिन विदाउट स्पेस आपको लिखना है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, ये रहा, यहाँ पे मैं लिखूँगा मीटर, मीटर, और देन विदाउट स्पेस आपको दबाना है अल्ट 0 178 अल्ट 0 178, ठीक है,
0178 नहीं बना, थोड़ा सा इशू है, इसको नॉर्मल मंगल कर दे रहा हूँ। क्या है ना, टेक्निकल फॉल्ट चलता है। दोबारा लिखूँगा मीटर, सॉरी मीटर 2400, सॉरी कितना था शॉर्टकट की भूल गया, 0178। दोबारा लिखता हूँ 0178, 0178 नहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत होगी। 0178 यहाँ पे देखो काम किया, यहाँ पे नहीं किया, तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। 0178 अगर काम ना करे तो आप स्पेस के बाद बना सकते हैं दोबारा से, पर बनता 0178 से ही है। ठीक है, ओके। तो ये थे कुछ शॉर्टकट कीज़। यहाँ पर कुछ और हैं जो आई थिंक काम के नहीं हैं, पर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक जो रुपए का सिंबल होता है 8377 से बनता है, ठीक है, और एक बड़ा साइन होता है, एक नॉर्मल होता है डैश और एक बड़ा डैश होता है। ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, अल्ट कंट्रोल और न्यूमेरिक कीज़ में जो माइनस बटन है उससे बनता है। ये दो चीज़ें और बता दूँ, 8377 और अल्ट कंट्रोल। पहले 8377 बताते हैं, अल्ट के साथ 8377, 8377 तो ये रुपए का सिंबल बना देता है। रुपए 80 लिए उससे, रुपए 85 लिए, कितना, अल्ट के साथ 8377, तो ये रुपए का सिंबल बनाता है। और अगर आप बड़ा साइन जैसे माता डैश सॉरी पिता ऐसा लिखते हैं तो ये साइन जो है छोटा है, यहाँ पर जो साइन है ये छोटा वाला है। इसी का जो बड़ा वाला होता है, जैसे जैसे लिखते हैं ना, जैसे के बाद लिखना होता है, तो ये हम बड़ा वाला यूज़ करते हैं। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये बनता है स्विफ्ट 5 से रेमिंगटन गैल में, और इनस्क्रिप्ट में नॉर्मली माइनस बटन से ही बनता है। और अगर दोनों में ही बनाना है बड़ा वाला, तो किसे, अल्ट कंट्रोल और न्यूमेरिक में जो माइनस बटन है, कैसे, अल्ट कंट्रोल और न्यूमेरिक में जो माइनस बटन है इससे ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ शॉर्टकट कीज थे जो मैंने आपको बता दिए। कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट भी लिखे हैं कि शॉर्टकट कीज किस पे काम करेंगे, रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई, इनस्क्रिप्ट, तीनों कीबोर्ड पर काम करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड पर टेस्टिंग की है तो एमएस वर्ड पर ही प्रॉपर काम करेंगे, हो सकता है टाइपिंग सॉफ्टवेयर में काम करें या ना करें। और ये कन्फर्म कर लें कि नम लॉक आपका नंबर पैड 1 है ऑफ ना हो, लाइट वहाँ पर जल रही हो, ओके। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो आप इनस्क्रिप्ट सीखें, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के लिए प्रोफेशनली टाइपिंग एग्जाम जितने होते हैं तो उनमें तीन ही कीबोर्ड होते हैं, रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई और इनस्क्रिप्ट। सीखने के पर्पज से इनस्क्रिप्ट सही है, अगर सीखना है तो ये सीख सकते हैं, और अगर कृतिदेव वगैरह जानते हैं तो इन दोनों को यूज़ करें, ओके। अगला, अब इन्हें यूज़ कैसे करेंगे, तो इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेट करना है, इसके लिए एक वीडियो बनाई जा चुकी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, उसमें प्रॉपर गाइड आपको मिल जाएगी विंडोज 7 के लिए, 8 के लिए और विंडोज 10 के लिए, ओके। अब ये बता दिया है मैंने कि रेमिंगटन गैल अगर आप जानते हैं तो 10 मतलब कृतिदेव वालों के लिए रेमिंगटन गैल, रेमिंगटन सीबीआई है, और सीखना है तो इनस्क्रिप्ट सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने में बहुत आसान है, सिंपल है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड, ये इनस्क्रिप्ट का कीबोर्ड, इसमें क्या है, एक तरफ पूरे वर्ण हैं और एक तरफ पूरे मतलब व्यंजन है, एक तरफ पूरे स्वर और मात्राएं हैं। बहुत ही सिंपल है, सीखने में इतना ईजी है कि एक महीने में आप अच्छी स्पीड पा सकते हैं, ओके। अब अगला, टाइपिंग स्पीड अगर आपकी नहीं बढ़ रही है तो आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑडियो डिक्टेशन जो 40, 50, 20, 30 इतने स्पीड में है, तो आप अपनी पसंदीदा डिक्टेशन को सुन करके टाइपिंग कर सकते हैं। मिलेंगे कहाँ पर, वो आप विजिट कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन पर या फिर डिजिटल गाइड पर, ओके। तो ये थे कुछ वीडियो, आई थिंक आपको ये कुछ शॉर्टकट कीज पसंद आए होंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।